सभी भक्तों को जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे डेफिनेट भक्ति परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको श्री अयोध्या धाम के दर्शन करवाएंगे। जो लोग किसी वजह से अयोध्या धाम अभी तक जा नहीं पाए हैं या जाने की इच्छा रखते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो अयोध्या धाम जा नहीं सकते हैं, उनको आज हम अपनी इस डिजिटल यात्रा के माध्यम से अयोध्या धाम के दर्शन करवाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया उसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मंदिर अयोध्या धाम आने के लिए वैसे तो तीनों ही विकल्पों, सड़क मार्ग, रेल मार्ग या वायु मार्ग से हम आ सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से रेल मार्ग सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि यह देश के कोने कोने से ट्रेन्स आती हैं और आप आसानी से, आरामदायक तरीके से रेल मार्ग के द्वारा आप अयोध्या धाम पहुँच सकते हैं। अयोध्या तक पहुँचने के लिए अयोध्या धाम और अयोध्या कैंट दो रेलवे स्टेशन है। कुछ ट्रेन सिर्फ अयोध्या कैंट तक ही जाती हैं, लेकिन कुछ ट्रेन आगे अयोध्या धाम तक पहुंच जाती हैं। तो आपके शहर से जहां के लिए भी संभव हो, वहां के लिए आप ट्रेन ले सकते हैं। अयोध्या धाम से श्री राम जन्मभूमि का रास्ता सिर्फ कुछ ही मिनटों की दूरी पर है, जबकि अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से श्री राम जन्मभूमि का रास्ता लगभग आधा घंटे की दूरी पर है। तो आपको आपके शहर से जो भी विकल्प अच्छा लगे, जो भी विकल्प सुटेबल हो, आप उससे आ सकते हैं। अयोध्या धाम पहुंचकर हमें सबसे पहले बजरंगबली जी के सुप्रसिद्ध प्राचीन हनुमानगढ़ी जी मंदिर के दर्शन करने होते हैं। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी को श्री राम ने अयोध्या का राजा बनाया था। हनुमानगढ़ी बजरंग बली को राम जी की भेंट है, इसलिए इस जगह को हनुमान जी का घर भी कहते हैं। अथर्ववेद के अनुसार भगवान राम ने हनुमान जी को कहा था कि जब भी कोई अयोध्या में मेरे दर्शन करने आएगा, उससे पहले उसे तुम्हारे यानी हनुमान जी के दर्शन करने होंगे। इसलिए आज भी लोग रामलला के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी जाते हैं। इस मंदिर को लेकर कई कहानियां और मान्यताएं हैं। कहते हैं कि लंका से लौटने के बाद भगवान राम ने अपने प्रिय भक्त हनुमान को यह जगह रहने के लिए दी थी, इसलिए इस जगह को हनुमान जी का घर भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी यहाँ पर अयोध्या के राजा के रूप में विराजमान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान राम गुप्तार घाट के जरिए गोलोक को गए, तब उन्होंने अयोध्या की जिम्मेदारी हनुमान को सौंपी थी और राम जी का आदेश हनुमान जी कभी टाल नहीं सकते थे। इसलिए आज भी अयोध्या की जिम्मेदारी हनुमान जी के हाथों में है। हनुमानगढ़ी मंदिर के पट सुबह 4 बजे श्रद्धालुओं के लिए खुल जाते हैं, जो रात 10 बजे तक खुले रहते हैं। हनुमान जी का यह स्थान लगभग 10वीं शताब्दी से है, जहाँ श्री हनुमान जी अयोध्या के राजा के रूप में विराजमान हैं। श्री हनुमान जी की ऐसी अनुपम मूर्ति विश्व के किसी मंदिर में नहीं है जैसी श्री हनुमानगढ़ी में है। विश्व के कोने कोने से श्रद्धालुगण यहाँ आकर श्री हनुमान जी के दर्शन करते हैं। मंगलवार तथा शनिवार को विशेष ही जन समूह दर्शन हेतु आता है। मंदिर जाने के लिए कुल 76 सीढ़ियां चढ़नी होती है। इस जगह का नाम हनुमानगढ़ या हनुमानकोट भी रखा गया है। यहीं से हनुमान जी रामकोट की रक्षा करते थे। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शनों के पश्चात और उनसे आज्ञा लेने के बाद भक्त श्री राम मंदिर में रामलला के दर्शनों के लिए जाते हैं। राम मंदिर एक महत्वपूर्ण अर्ध निर्मित हिंदू मंदिर है।
जो वर्तमान में भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या में है। जनवरी 2024 में इसका गर्भगृह तथा प्रथम तल बनकर तैयार हो गया था और 22 जनवरी 2024 को इसमें श्री राम के बाल रूप में विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की गई। यह मंदिर उस स्थान पर स्थित है जिसे हिंदू धर्म के प्रमुख देवता श्री राम का जन्म स्थान माना जाता है। राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को किया गया था। वर्तमान में निर्माणाधीन मंदिर की देखरेख श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा की जा रही है। इस मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को बड़ी ही धूमधाम से किया गया था। राम मंदिर एक 3 मंजिला मंदिर है जिसकी लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई लगभग 161 फीट की है। हम आपको ये बता दें, श्री राम मंदिर में किसी भी प्रकार का मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा, किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक आइटम, बैग, पर्स इत्यादि ले जाना मना है। इसीलिए अपना सभी सामान बाहर ही जमा करवा के जाएं। मोबाइल जमा कराने के लिए लॉकर सुविधा भी मंदिर परिसर में उपलब्ध है। अयोध्या में तीसरा प्रसिद्ध स्थान है दशरथ महल। अयोध्या का दशरथ महल एक प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है। दशरथ महल हनुमानगढ़ी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। मान्यताओं के अनुसार राजा दशरथ ने त्रेता युग में इस महल की स्थापना की थी। इस पौराणिक महल का कालांतर में कई बार जीर्णोद्धार भी किया गया। दशरथ महल को बड़ा स्थान या बड़ी जगह के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान समय में दशरथ महल अब एक पवित्र मंदिर के रूप में बदल चुका है। माना जाता है कि दशरथ महल को ठीक उसी जगह बनाया गया है जहां राजा दशरथ का असली निवास हुआ करता था। इस भवन के मंदिर में श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की मूर्तियां लगी हुई हैं। इस मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत बड़ा और रंगीन है। इस परिसर में काफी संख्या में जमा होकर श्रद्धालु भजन कीर्तन करते रहते हैं। दशरथ महल में राम विवाह, दीपावली, श्रावण मेला, चैत्र रामनवमी और कार्तिक मेला बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस महल में चक्रवर्ती महाराजा दशरथ अपने रिश्तेदारों के साथ रहते थे। अयोध्या के बीचों बीच स्थित दशरथ महल दर्शनार्थियों के लिए सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक खुला रहता है।
अयोध्या के पवित्र स्थानों में से एक अन्य स्थान है कनक भवन। कनक भवन अयोध्या के सबसे बेहतरीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और इसे अवश्य देखना चाहिए। इस मंदिर की वास्तुकला राजस्थान और बुंदेलखंड के महलों से मिलती जुलती है। इसका इतिहास मूल रूप से त्रेता युग से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि यह भवन भगवान राम से विवाह के तुरंत बाद देवी सीता को कैकेयी ने उपहार में दिया था। यह देवी सीता और भगवान राम का निजी महल है। इसके पश्चात राजा विक्रमादित्य ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। अयोध्या के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों में से अगला स्थान है सरयू घाट। अयोध्या नगरी सरयू नदी के ही पवित्र तट पर बसी हुई है। सरयू गंगा नदी की 7 सहायक नदियों में से एक है। सरयू नदी की पवित्रता ऐसी है कि इसमें स्नान करने से व्यक्ति के सारे दोष दूर हो जाते हैं। त्रेता युग में भगवान राम की जन्मभूमि और राजधानी अयोध्या सरयू के तट पर स्थित थी। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने सरयू के गुप्तार घाट पर ही जल समाधि ली थी। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको अयोध्या धाम की यह डिजिटल यात्रा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सके। इसी तरह की अन्य वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।